यदि ये बच्चा तेरे लिए 100 रुपए लेकर आता है तो यहाँ का एक एक व्यक्ति हाथ उठाकर तालियां बजाकर खाली रहा तो आज की रात मुझे लगेगा चेयरमैन साहब ये बच्चा हो सकता है। देखिए यहां जितने लोग बैठे हैं उनको बताना चाहता हूं, बच्चे ने मैंने पूछा बेटा कितने पैसे कमाते हो, उसने कहा कि 120 रुपए रोज कमाता हूं और उस 120 रुपए की मेहनत की पसीने की कमाई से सुदीप यदि यह बच्चा तेरे लिए 100 रुपए लेकर आता है तो यहां का एक एक व्यक्ति हाथ उठाकर तालियां बजाकर और ये जिम्मेदारी वो सारा खर्चा ये जब तक पड़ेगा जब तक मैं जिंदा हूं मैं भेजूंगा चेयरमैन साहब उसकी व्यवस्था करते रहेंगे। चेयर साहब मैं आपको भेजूंगा वो इस परिवार के बच्चे तक भेजे, कल से ये दुकान पर काम ना करे, कल से स्कूल जाए और अच्छे बच्चे की तरह पढ़े। हम ये दुआ देकर जाते हैं आपको। आप सबका सहयोग एक सलमान नाम का लड़का जो कि एक होटल पर काम करता था 120 रुपए प्रतिदिन के, उसकी उम्र करीब करीब 15 साल के करीब थी और वो होटल पर काम करता था। जब हरिओम पवार जैसी शख्सियत हिंदुस्तान की सबसे मानी हुई शख्सियत उस मंच पर विराजमान थी, उस समय सुदीप भोला जबलपुर के द्वारा किसानों के ऊपर पंक्तियों का वाचन किया जा रहा था, उसी समय उस बच्चे ने इतना इमोशनल हो गया कि वो आकर 100 रुपए उसके जो मजदूरी में से थे वो 100 रुपए आकर कवि को पुरस्कार के रूप में देने लगा। तो पूरा मंच जितना मंच था और पूरा जो ग्राम प्रांगण था सब खचाखच भरा हुआ था, तालियों से गड़गड़ाहट से उस बच्चे का स्वागत किया और उसकी भावना की कदर करते हुए श्री हरिओम पवार जी ने जब उससे पूछा कि बेटा क्या करते हो तो उसने बताया कि मैं होटल पे काम करता हूँ, तो वो इमोशनल हो गए हरिओम पवार जी। उनका एक बाली फाउंडेशन है जो कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे अनाथ बच्चों के जिनका कोई नहीं होता उन बच्चों के लिए पढ़ाने का शिक्षा के रूप में काम करने के लिए लालन पोषण करते हैं, इसलिए श्री हरिओम पवार जी ने उस बच्चे को सलमान को पढ़ाने के लिए पूरा जब तक आजीवन जब तक वो बच्चा पढ़ेगा और उसको गोद के रूप में लिया और कहा कि तेरा खर्च जितना भी होगा वो मैं खर्च उठाऊंगा। कवि सम्मेलन में गया था मैं, 100 रुपए दिए थे